इनके खाने में बनाया है हमने छोले। ये देखिए छोले बना रखे हैं और चावल हैं उसके साथ। सुबह हमने भिंडी बनाई थी, मैं काट देंगे क्योंकि लंबे में कटने से पकती भी जल्दी है और एक गलती भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने भिंडी काट दी है और इसके बाद मैंने प्याज टमाटर काट दिए हैं और अब चलिए बनाते हैं भिंडी। और आजकल देखना चांद कितने जल्दी आ जाता है, ये देखिए। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरूराना स्वागत करती हूँ आपका आज के न्यू वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से और आज हम नाश्ते में बना रहे हैं भिंडी। भिंडी की सब्जी बना रहे हैं। तो चलिए ये देखिए भिंडी यहाँ पर काट रही हूँ, भी छाट रही है मेरे साथ। और इससे पहले भिंडी काट देती हूँ, पहले थोड़ा भूख कर मैं तो हम ना भिंडी को गोल में नहीं काटेंगे, इसको ऐसे लंबे में काटेंगे क्योंकि लंबे में सब भिंडी जल्दी भी पक जाती है और अच्छी भी होती है टेस्टी खाने के लिए। देखिए मैं लंबे में काट रही हूँ भिंडी, गोल में नहीं काट रही हूँ क्योंकि सब अक्सर लोग गोल में काटते हैं, लेकिन मैं हमेशा भिंडी लंबे में ही काटती हूँ वैसे। भिंडी भी कट गई है, ये देखिए लंबे में काट रखी मैंने सारे भिंडी। तो ये देखिए इतने बहुत सारे काट रखी है, मतलब एक थाली में, क्योंकि 3-4 लोगों के लिए है तो इसलिए इतना काटना पड़ा। तो देखिए अब इसको बनाती हूँ मैं। तो मैंने भिंडी काट दी है और इसके बाद मैंने प्याज टमाटर काट दिए हैं और अब चलिए बनाते हैं भिंडी। देखिए कढ़ाई रख दी है मैंने और इसमें डालेंगे तेल, तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि भिंडी में तेल ही थोड़ा ज़्यादा खपता है। तेल गर्म हो गया है और हम डालेंगे इसमें थोड़े से लहसुन। इसकी लहसुन भी अच्छे से हो गई है, आप इसमें डाल देंगे आप। देखिए हमने मसाला भी इसमें डाल दिया है और मसाले में हमारा एक मिक्स मसाला है, सारे हल्दी और मिर्च सब उसमें मिक्स है, धनिया पाउडर। और देखिए हमारी भिंडी तैयार है एकदम से, ये पक भी गई है अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से पक गई है और एकदम से सूखी सूखी भी है, ये देखिए। देखिए लंबे काटे मैंने इसलिए जल्दी भी पक गई है भिंडी, देखिए और अच्छी भी होती है खाने में। देखिए देखिए भिंडी के खाने में हमने बनाया है छोले और चावल, मुझे खाने का मन करा था तो छोले चावल बना दिए मैंने और साथ में है मट्ठा। तो शाम के 7 बज चुके हैं और देखिए सारा अंधेरा भी हो गया है और हमारे कपड़े यहाँ पर सूख भी गए, कपड़े धोए थे कपड़े भी सूख गए हैं यहाँ पे और अंधेरा भी हो गया है। सब जगह लाइट भी रहती है, सब जगह लाइट जल गई और आज हम ना कहीं भी नहीं गए बाहर को क्योंकि आज ना मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मम्मी तो उठ भी नहीं पा रही है और मम्मी के ना बहुत दर्द हो रहा है पैरों में, इसलिए हम रूम से आज बाहर ही नहीं गए। तो रूम के अंदर ही थोड़ा बहुत जो करना था वो यहीं पर करा काम धाम। तो अभी चलते हैं, थोड़ा छत पे चलते हैं, अगर मम्मी जा सकती है तो मुझसे मम्मी को तो छत पे जाऊंगी थोड़ी देर।
और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, देखिए मुझे पसीना हो रहा है अभी भी और पसीना आ रहा है मेरे को। और देखिए कितनी गर्मी हो रही है, दिन में भी बहुत गर्मी थी क्योंकि धूप थी आज पूरे दिन भर, इतनी धूप थी, लाइट जा रही थी तो बहुत गर्मी हो रही थी। तो यहाँ पे ना बहुत गर्म है, हमारे उधर की अपेक्षा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है। और आजकल देखना चाँद कितने जल्दी आ जाता है, ये देखिए कितना जल्दी आ जाता है और पूरा भी है इसका चाँद। इसके बाद अब लेट लेट आता है चाँद, तो देखिए कितना साफ दिख रहा है यहाँ से चाँद। तो चाँद भी ना देखिए 7 बजे ही निकल गया चाँद, वैसे पहले ही निकल जाता है चाँद, आजकल तो दिखता नहीं है लेकिन अभी तो पूरा दिखता है साफ। देखिए 7 बजे, 7 बज रहे हैं और कितना अच्छा दिख रहा है चाँद।